पिछले दिसंबर की एक बर्फीली सुबह अपने जैकेट का जीप ऊपर सरकाते वक्त उलझ सा गया था उसमें मेरे मफलर का एक हिस्सा। अक्सर होता है। याद आया अचानक वो बरसों पहले गुजरा दिसंबर का एक दिन, अरे हाँ, हमारे डेटिंग वाला दिन, जब खोलते वक्त मेरे जैकेट की जीप में उलझा था तुम्हारा दुपट्टा। उस दिन भी ठंड काफ़ी थी, पर उस दिन जीप लगाने के बजाय खोला था मैं, ताकि छुपाकर उसमें तुम चेहरा अपना हर बार की तरह महसूस कर सको, मेरे बदन की गर्माहट और तुम्हारे नर्म गर्म मखमली सांसों को मैं। शायद प्यार करना मुझे आया ही नहीं आज तक, मिले फुर्सत कभी तो आकर थोड़ा बतला देना। हिंदी मीडियम वाला मैं भला तुमसे मिलने के पहले कहाँ जानता था मतलब इस मुचिंग का। हाँ, उस दिन थोड़ा ज़्यादा जोर हो गया था, तुम्हें लगा था मैं कुछ ज़्यादा ही बहक गया हूँ, पर दरअसल मैं खींच लेना चाहता था खुद में सारे वायरस तुम्हारी सर्दी के। फिर एक दिन तुम्हें लगा था मैं भाव खा रहा हूँ, स्मूचिंग तो दूर तुम्हारे बहुत करीब आने से कतरा रहा हूँ, पर दरअसल मैं तुम्हें बचाए रखना चाहता था वायरस से अपनी सर्दी के। शायद प्यार करना मुझे आया ही नहीं आज तक, मिले फुर्सत कभी तो आकर थोड़ा बतला देना। कई साल गुजर गए, बट सावित्री पूजा में बरगद के पेड़ से लिपटे कच्चे धागे की तरह जब आखिरी बार तुम मुझसे लिपटी थी। यकीन मानो आज भी तुम्हारे बदन की खुशबू ने डीओ की कमी महसूस नहीं होने दी है। शायद प्यार करना मुझे आया ही नहीं आज तक, मिले फुर्सत कभी तो आकर थोड़ा बतला देना। हमेशा इस्तेमाल किया था तुमने मुझे सिलेबस की किताबों की तरह, पर मैं तो सजा रखा हूँ आज भी दिल की दीवार पर तुम्हें पीरियोडिक टेबल की तरह। अक्सर इस्तेमाल किया तुमने मुझे अपने मुश्किल भरे चार दिनों के सैनिटरी नैपकिन, खैर जाने दो, मैं तो संजो रखा हूँ आज भी संदूक में तुम्हें छठी के कपड़ों की तरह। आखिर न्यूटन के तीसरे नियम को गलत साबित कर ही दिया ना तुमने मेरे प्यार के बदले मुझे पराया करके। मैंने भी झुटलाने के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत को तुम्हारे दिए गमों के वजन के बावजूद समय के लहरों पर तैरता रहा। शायद प्यार करना मुझे आया ही नहीं आज तक, मिले फुर्सत कभी तो आकर थोड़ा बतला देना। क्या ये तुम भी भूल पाई होगी, बोलो ना, हर डेटिंग पर मेरा एक ही डेरी मिल्क लाने में तुम्हें मेरी कंजूसी दिखती थी, पर इसी के कारण तो तुम करीब, कुछ ज़्यादा करीब खींचती थी जब करते थे हम दोनों अपने अपने दांतों में अपनी अपनी ओर दबाकर उस डेरी मिल्क का आपस में बंटवारा। मैं थोड़ी बेईमानी कर जाता था, उस एक डेरी मिल के कुल 10 स्क्वायर्स में से 6.5 तुम्हें और 3.5 अपने हिस्से में दांतों से काटता था, बना के ये बहाना कि ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता मुझे, भले ही घर में अपने अपनी माँ के हिस्से का अक्सर खीर चट कर जाता था मैं। शायद प्यार करना मुझे आया ही नहीं आज तक, मिले फुर्सत कभी तो आकर थोड़ा बतला देना। लग रहा है तुम यही कहीं हो, आओ ना पास, क्यों सता रही हो, ना जाने क्यों लग रहा है तुम अभी अभी आओगी किसी कोने से और मेरे टी शर्ट के बाह में अपने गीले होठों को पोसते हुए शर्माकर कहोगी हर बार की तरह, तुम ना बड़े जिद्दी हो, अपनी जिद मनवा कर ही मानते हो। बोलो कोई देख लेता तो क्या करूं। शायद प्यार करना मुझे आया ही नहीं आज तक, मिले फुर्सत तो कभी आकर सकता।